क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन 53% से ही लाखों स्टूडेंट में सॉल्व हो पाया है। आई होप क्वेश्चन बेटर क्वेश्चन है, दैट इज एटलीस्ट मीडियम लेवल क्वेश्चन है नीट जैसे एग्जाम्स के लिए, जो कि सब टॉपिक रोडोफिकिया रेड अलगी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अलगी से इस क्वेश्चन को प्रेम की गई है। इसका कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन किस पे से ली गई है, इस क्वेश्चन को सारा चीज किस तरह का, इसका चारों ऑप्शन है क्या क्या होना चाहिए, सारा डिटेल देखने के लिए वीडियो के लिंक पे जाइए और वीडियो को कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इतनी शॉर्ट वीडियो में एक क्वेश्चन को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि क्वेश्चन कहता है व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर रेड अलगी, यहाँ पे हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है किसके बारे में, रेड अलगी के बारे में, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन कहते हैं लैक सेंट्रल एंड फ्लैजिला, होगा सही या नहीं जल्दी से बताइए। एसेसरी पिगमेंट्स इंक्लूड फाइको कैनिन एंड फाइको कैथरीन एंड एलो फाइकोसाइनिन। थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है कि द रिप्रोडक्शन यूजिंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। फोर्थ द स्टोरेज फूड इन प्रोटीन स्टार्च वेरी सिमिलर टू स्लो, तो इसका जो आंसर होगा फोर चला जाएगा, जो कि रेड अलगी के बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो किसके बारे में लिखा हुआ, तो देखिए किसके बारे में लिखा, जो फूड स्टोरेज होता है प्रोटीन स्टार्च विच ए वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन होता है एंड ग्लाइकोजेन इन स्ट्रक्चर, जबकि इसमें क्या लिखा है फ्लोरिडियन स्टार्च जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन इन स्टार्च स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी के किस फेज से इस क्वेश्चन को फ्रेम की गई है, तो फेज नंबर 33 पे जाइए, 11th के एनसीईआरटी पे आपको ये मिल जाएगा। आई होप क्लियर हो चुका।